अगर आप भी खाने के शौकीन हैं तो राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न व्यंजनों का स्वाद जो है आप चख सकते हैं। हिमहेरा फूड कार्निवल का आयोजन शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में किया गया है, पंचायती राज विभाग की तरफ से किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है, जहाँ पर आप सभी जिलों के पारंपरिक भोजन जो है उसका स्वाद यहाँ पर चख सकते हैं। ऐतिहासिक रिज मैदान में जो है ये कार्निवल यहाँ पर लगाया गया है, 18 दिसंबर तक जो है ये चलने वाला है। फिलहाल आप भीड़ देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहली स्टॉल की बात करें तो किन्नौर की स्टॉल यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें कुछ एक महिला समूह है और किस तरह से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न व्यंजन जो है इनके द्वारा यहाँ पर परोसे जा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताओ और कहाँ के रहने वाले? नमस्ते सर, मेरा नाम किरण है, हम डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से, कल्पा ब्लॉक से, CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन से आए सर। क्या कुछ आप लोगों को यहाँ पर खिला रहे हैं, क्या कुछ विशेषताएं और आपके? जी सर, हम अपने किन्नौर का पारंपरिक खाना खिला रहे हैं। ये थिसपोले है सर, इसको कोयशित भी बोलते हैं और जूते भी बोलते हैं सर। इसको हम दे रहे हैं, ओगले से बनता है सर, इसको ड्राई फ्रूट की चटनी के साथ दे रहे हैं। और सर ये नमकीन चाय हमारी ट्रेडिशनल चाय, जिसमें बटर, मिल्क, ड्राई फ्रूट, काला जीरा, लकड़पत्ती सब होता है सर। ये है सर हमारा ड्राई फ्रूट की चटनी। और सर ये है चुलफांटिंग एप्रिकॉट ग्रेवी, ये हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम और उसके लिए बहुत अच्छा होता है और कोल्ड के लिए। ये है सर फाफरे का चिल्टा, ये शुगर और बीपी पेशेंट वालों के लिए बहुत ही बेस्ट है सर। ये फाफरे का आटा से पसंद कर रहे हैं लोग सर, हमारा सभी चीज़ पसंद कर रहे हैं। हमारा लोकल राजमा राइस, आपको पता ही है किन्नौर का राजमा पूरे हिमाचल में फेमस है। बाकी आटा मोमोज बहुत पसंद करे, वहाँ पे बन रहे हमारे थे स्कूलें, सभी पसंद करे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हैं आप, प्राइस लिस्ट जो है यहाँ पर लगाई गई है किस तरह से जो है यहाँ पर। दूसरी स्टॉल की बात करें तो आप बिल्टोई भी देख सकते हैं यहाँ पर, बिलासपुरी धाम यहाँ पर लगाई गई है। क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं और इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो है ये बनाई गई। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम ललिता देवी है, हम बिलासपुर से आए हैं, झंडुता ब्लॉक है। धाम की बात करें तो क्या कुछ आपकी धाम में रहता है? सर हमने धोतमी दाल बनाई है जो हमारी फेमस है, घी में बनती है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लगता है, ये सिर्फ घी में ही बनेगी। आगे हमारी कड़ी पकौड़ा है जो हम लस्सी उधर से ही लाए हैं बिलासपुर से, यहाँ से हम आपकी लस्सी यूज नहीं करते हैं। राजमा है जो हम दही लगा के बनाते हैं, खट्टे चने हैं, चने का मदरा और कद्दू का मीठा है सर हमारा। कद्दू का मीठा, हाँ। लोगों से किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सर, अच्छा मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो विभिन्न व्यंजन जो है यहाँ पर हिमाचल के देखने के लिए मिल रहा है। लाहौल स्पीति की इस वक्त हम इस स्टॉल में मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है क्या बना रहे हैं आप? ये मोमोज के लिए। मोमोज के लिए किस चीज़ की स्टफिंग इसमें की जाती है और किस चीज़ के ये बने होते हैं? इसमें सब्जियाँ डालते हैं, दो तीन किस्म के, और इसके बनते हैं मोमोज। हाँ जी, लोगों से किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर? हाँ जी, आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ जी, मेकिंग भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर मेकिंग की जा रही है। तस्वीरें ये देख सकते हैं, और मोमोज यहाँ पर फ्रेश तैयार किए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति की ये जो है स्टॉल यहाँ पर लगाई गई है। और साथ ही अगली स्टॉल की बात करें तो यहाँ पर मंडी की अक्सर जो है कचौरी फेमस है, और साथ में आप देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर आइटम्स है ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले अपना नाम बताओ और क्या चीज़ ये है, क्या इसे कहते हैं? सर मेरा नाम मीना है और मैं सुंदर नगर धनोटू ब्लॉक से हूँ। आइटम आपके द्वारा यहाँ पर रखी गई है, क्या क्या इसे कहते हैं और कौन सी आइटम लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? सर ये कचौरी है, इसमें माँ की दाल की स्टफिंग की हुई है और इसको सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दही भल्ले हैं, इसको हम चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं कचौरियों को, और दही भल्ले हैं, और हमारे पास मक्की का झोल है। ये सबसे ज्यादा कौन सी पसंद आइटम कर रहे हैं? कचौरी फेमस है यहाँ पर, किस तरह लोग इसे पसंद कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत पसंद कर रहे हैं सर। और ये क्या चीज बन रही है जो यहाँ पर बनाई जा रही है? सर मेरा नाम माया देवी है और मैं आटा गूंद रही हूँ इसको फंटाइल करने के लिए, जिससे कचौरी बनाई जाएगी। आटा यहाँ पर देखिए फ्रेश यहाँ पर गूंदा जा रहा है, मंडी की जो है कचौरी फेमस है। साथ ही आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो है किस तरह से जो है आइटम्स यहाँ पर विभिन्न तरह की देखने के लिए मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जो डिशेज है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। ये क्या चीज़ है? बाजरे की बर्फी है सर। बाजरे की बर्फी, कितना टाइम इसे बनाने में लगता है और क्या कुछ प्रोसीजर इसका रहता है? सर इसको
ढाई घंटे बनाने में लग जाते हैं तैयार करने में। ये मीठी होती है या नमकीन? ये मीठी होती है सर, बाजरे के आटे और तिल गुड़ और ड्राई फ्रूट देसी घी से बनती है। ये सर तैयार हो रही है अभी? तैयार बना रहे हैं हम। फ्रेश मेकिंग भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर तैयार की जा रही है। क्या इसे पहले फ्राई किया जाता है, क्या किया जाता है? घी में ये सर, इसको घी में आटे को हमने पहले फ्राई कर लिया, भून लिया। अब इसके चाशनी तैयार कर रहे हैं। फिर चाशनी में इसको डालेंगे, इसके लड्डू भी बनाएंगे और बर्फी भी। लोग पसंद कर रहे हैं? हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। और तो विभिन्न तरह की स्टॉल जो है यहाँ पर लगाई गई है, चाहे वो धाम की बात करें तो हर जिले की धाम यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिलासपुरी धाम हमने आपको दिखाई किस तरह से बनाई जाती है, और ये जो है हमीरपुर की धाम यहाँ पर है, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्या ये क्या चीज़ है ये? सर ये पंजीरी के लड्डू हैं। और आपके स्टॉल की बात करें तो क्या कुछ आइटम्स आपके पास? सर पंजीरी के लड्डू, गाजर का हलवा, हाँ जी सर, चावल, चाप बड़ी। हाँ, ये चाप बड़ी लोग पसंद कर रहे हैं इसको? हाँ जी सर, ये हाँ, नदौन की फेमस है। हाँ, आपकी धाम की विशेषता इसमें हाँ, है, हाँ, जी सर। और सर आलू चने, कमतरा सर, खट्टा हमारे पास, और सर मीठा है। हाँ, मीठे में क्या चीज़ है, क्योंकि मीठा अलग अलग जिलों में अलग अलग से बनाया जाता है। ब्रेड का मीठा बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से जो है लोग यहाँ पर स्टॉल लगा के यहाँ पर रखी हुई है। और अगर आप भी स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेना चाहते हैं, फिलहाल ये कांगड़ा की स्टॉल आप देख सकते हैं, बुलटोई यहाँ पर है। कांगड़ा की जो डिश है या धाम जिसे कहते हैं, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम सबसे पहले अपना नाम बताओ और क्या कुछ इस धाम की विशेषताएँ हैं, अक्सर लोग इसे पसंद करते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रवीण कुमारी है और हम कांगड़ा के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है। और हमने ये कांगड़ी धाम बनाई है जो बहुत ही फेमस है। कौन कौन सी इसमें आइटम रहती है? क्या ये राजमा का मदरा है? हाँ, ये देसी घी और दही में बनता है। और इसके अलावा और क्या क्या आइटम है? और ये सफेद चने का मदरा है। हाँ, ये भी देसी घी और दही में बनता है। और ये काले चने का खट्टा मानी बोलते हैं। हाँ, इसको ये है। हाँ, ये फेमस है। कितनी दाल जो है इसमें रहती है कांगड़ी धाम की बात करें तो? पांच छह आइटम है इस टाइम। और ये तेलिया माँ सबसे अच्छे। ये किस तरह से बनाए जाते हैं, अक्सर लोग इसको पसंद भी करते हैं? ये बलटोई में बनते हैं। हाँ, और तब इसमें बलटोई में बन के ही तैयार करते हैं इसको, और इसको तेल यमा बोलते हैं। तेल में ही बनाई जाती है। कितना टाइम इसको बनाने इसको में बना है? इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। इसे उबाला जाता है ना, फिर जैसे तड़का लगाया जाता है तेल में। और प्याज वगैरह नहीं, कुछ नहीं जाता है, हमने कुछ यूज नहीं किया प्याज लहसुन। मीठे चावल है। ये किस तरह से बनाए? ये भी बलटोई में तैयार करते हैं, फिर इसको बलटोई में तैयार करते हैं। और ये देसी घी और ड्राई फ्रूट से बनाए जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइस क्या रखा है पहले इसका? 50। पूरी धाम का 170 रुपये प्लेट। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से धाम की बात करें तो विभिन्न तरह की धाम यहाँ पर देखने को मिल रही है। जगह जगह की जो है यहाँ पर स्टॉलें लगी हुई है, 12 जिलों से जो है यहाँ पर विभिन्न स्टॉल्स लगी हुई है। और अगर आप भी इन व्यंजनों का आनंद लेना चाहते हैं तो शिमला के रिज मैदान में पहुँच सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। मैम क्या कुछ ये है, और सबसे पहले अपना नाम बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम सरस्वती देवी है, मैं ग्राम पंचायत बुआई से हूँ, स्वयं सहायता से आए हम यहाँ। हम यहाँ पे कोदरे का सिड्डू बना रहे हैं। कौन सा सिड्डू? ये कोदरे का सिड्डू। किस तरह से ये बनाया जाता है? और इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं हम, अंदर स्टॉपिंग होती है इसकी। और ये आटे का सिड्डू, एक कोदरे की चाय है, कोदरे की चाय है, शुगर फ्री चाय, उसमें कोई केमिकल नहीं है। और एक घांगड़ी सूप है बिल्कुल मिलेट का। ये क्या चीज़ है इसमें? ये चटनी है हमारी। किस तरह से ये बनाई जाती है? इसमें टमाटर है, प्याज है, धनिया है और पुदीना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो कुल्लू की स्टॉल आपने यहाँ पर देखी, और आप ये तस्वीरें एक और देख सकते हैं। विभिन्न तरह के व्यंजन यहाँ पर लगाए गए हैं, फ्रूट चाट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं चाट की स्टॉल यहाँ पर उन्ना से जो है यहाँ पर लगाई गई है। साथ ही जो है किम यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसे यहाँ पर अपनी भाषा में आप बता सकते हैं कि क्या इसे कहते हैं, गलगल भी इसे कहा जाता है। मैम सबसे पहले अपना नाम बताएं और
क्या चीज आप यहाँ पर बना रहे हैं, सबसे ज्यादा क्या पसंद कर रहे हैं? सर नमस्कार, मेरा नाम मीना कुमारी है, दे ब्लॉक ऊना, डिस्ट्रिक्ट ऊना से हूँ। जो ये आइटम आपके द्वारा रखी गई है, सबसे ज्यादा कौन सी पसंद कर रहे हैं? सर हमारी किम चाट सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है। किम चाट, और किस तरह से ये बनाई जाती है, दिखाएंगे आप थोड़ा सा? बिल्कुल सर, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर मेकिंग की जा रही है। और किम, जिसे आपकी भाषा में क्या कहते हैं, ये देखिए आप किस तरह से जो है ये बनाई जाती है। ये किस तरह से ये बनाई जाती है? ये सर किम्ब है, इसमें हम डालते हैं हरा धनिया और हरा पुदीना की चटनी डालते हैं, और काला नमक, काली मिर्च, शक्कर, गुड़ और ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको हरी मिर्ची की चटनी डाल के बनाते हैं इसको। अच्छा, लोग इसे ठंड में ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसके ऊपर जो है प्यास बहुत लगती है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कितने टाइम बाद पानी पीना चाहिए? एक तो ये सीजनली फल होता है, ये सर्दियों में ही पाया जाता है, और सर्दियों में इसका बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा होता है। तो इससे हमारा जैसे सर्दी खांसी जुकाम हो तो वो ठीक हो जाता है, जैसे सर्दियों में खून गाढ़ा हो जाता है तो इससे खून भी पतला होता है और विटामिन सी से भरपूर होता है। और इसको खाने से प्यास लगती है सर, तो इसको खाने के बाद हम गुड़ खा लें, मतलब वो ना पानी ना पिए, नहीं तो इसको खाने से पेट में इन्फेक्शन हो जाती है, मतलब दर्द भी हो जाता है कई बार, और कई बार लूज मोशन भी लग सकते हैं, तो इसको खाने के बाद मतलब आधा घंटा पानी नहीं पीना चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे किम, जिसे यहाँ पर कहा जाता है, कई भाषा में इसे गलगल भी कहा जाता है, आपकी भाषा में इसको क्या कहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं चाट किस तरह से यहाँ पर बनाई जा रही है, ऊना की ये स्टॉल यहाँ पर लगी हुई है, विभिन्न तरह के जो है व्यंजन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते है। साथ ही आपको अंतिम धाम यहां पर बताना चाहेंगे जो कि चंबा से यहां पर लगाई गई है, बल्टोई यहां खासियत रहती है, हर धाम जो है बल्टोई में ही तैयार की जाती है, इनसे जानते हैं कि किस तरह से जो है ये धाम तैयार की जाती है। मैम सबसे पहले अपना नाम बताओ और क्या कुछ आपकी धाम की विशेषता है। नमस्कार सर, मेरा नाम रीता देवी है, मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा आस्था SAG से हूँ। आपकी धाम की बात करें तो किस तरह से ये बनाई जाती है? सर हमारी जो ट्रेडिशनल फूड है हमारा, वो नेचुरल तरीके से जैसे इन्हीं पीतल के बर्तनों में बनाया जाता है, जैसे हमारे ये मीठे चावल हैं, ड्राई फ्रूट के साथ बनाए जाते हैं, और ये हमारा जो पूरा खाना है इसको बनाने में कम से कम पर आइटम 3 आवर्स लगते हैं, और हमने ये हमारा खट्टा है, जैसे इसमें हमने जो है बेसन का पूर डाला होता है, और ये इमली और गुड़ से बनता है। और इसके अलावा बात करें तो और आइटम यहाँ पर देखने को मिल रही है, और क्या कुछ इसमें ये है? सर हमारी कड़ी है, हाँ। जो इसमें भी बेसन का बूर और लस्सी हाँ। से बनाते हैं सर, हाँ। और जैसे हमारा फेमस जो है राजमा का मदरा है, जो घी, दही और खड़े मसालों, और जैसे राजमा कैसे तैयार होता है, इसमें ये सारा घी में बनता है, और दही का कितना टाइम इसको बनाने सर में? इसको कम से कम 3 आवर्स लगते हैं बनाने में, हाँ जी। और ये माश की दाल है सर, ये भी पीतल के बर्तन में बनाई गई है, और इसको स्टीम हम इसी में करते हैं, हाँ जी। तो लगभग कांगड़ा और चंबा की धाम मिलती जुलती ही है, क्योंकि मीठा भी हमें मीठा चावल देखने के लिए वो तो है, पर सर जो हमारा राजमा का मतलब है वो पूरे हिमाचल में कहीं नहीं बनता। अच्छा, एक और चीज हमें देखने को मिल रही है, जो पोस्टर पे लिखा है कि बिना लहसुन प्याज यहाँ पर, हाँ जी सर, हमारा जो खाना है सिर्फ खड़े मसाले और घी में तैयार किया जाता है, इसमें लहसुन और प्याज का यूज नहीं होता है, और ये शुद्ध शाकाहारी है। अच्छा, प्राइस कितना रखा गया सर? एक थाली का हमने 170 रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर जो है कुछ एक लोग और भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जो पंचायती राज विभाग की तरफ से ये स्टॉल लगाई गई है, वहाँ पर उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो भीड़ है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, और देख सकते हैं किस तरह से आनंद यहाँ पर जो है लोगों द्वारा लिया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है पंचायती राज विभाग में, उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि कितना फ़ायदा महिलाओं को हो रहा है। सर, जो ये हिमेरा फूड कार्निवल लगाया गया है, दूसरी बार ये लगा हुआ है, पिछले वर्ष लगा था, और किस तरह सा रुझान जो है लोगों का यहाँ मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं? सर, जो पिछले साल हमने फूड कार्निवल किया था वो बहुत सक्सेसफुल हुआ था हमारा, और अगर मैं आपको इंटरनल बात बताऊं तो हमें बहुत मैसेजेस और मेल्स आते हैं, हमारी जो ऑफिशियल मेल आईडीज हैं टूरिस्ट के जो लास्ट ईयर खा के गए थे, कि आप कब से दोबारा फूड फेस्टिवल कर रहे हैं। तो हमारा बहुत सक्सेसफुल इवेंट है, और इस बार भी लोग स्पेशली इस चीज़ के लिए आए हैं कि लास्ट ईयर जो फूड कार्निवल हुआ था उसमें बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें खाने को मिली थी, सिड्डू बहुत फेमस हुआ था,
सोलन की जलेबी फेमस हुई थी, चंबा की धाम फेमस हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टूरिस्ट दोबारा उसका आनंद लेने के लिए आया, और आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है। मेन मोटिव क्या है इस सर? मेन मोटिव हमारा एक ही रहता है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से NRLM से जुड़ी हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से, उनको सशक्त करना, विभिन्न जो गतिविधियाँ हैं आजीविका की वो उनको प्रोवाइड करना जिससे वो अपनी लाइवलीहुड जो है जनरेट करें और खुद भी सशक्त बने और ऐसे कार्यक्रम जो हैं वो अपने स्तर पे भी ऑर्गेनाइज कर सकें। आने वाले समय की बात करें तो क्या और जिलों में भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे, क्योंकि रुझान जो है काफ़ी अच्छा मिल रहा है? जी 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 सर बिल्कुल। पहली कोशिश तो हमारी यही रही है कि हम पूरा हिमाचल जो है वो रिज मैदान पे इकट्ठा करें। जैसे आप देख सकते हैं विभिन्न जो हमारे ज़िले हैं, 12 ज़िले हैं, उनका पारंपरिक व्यंजन हमने एक जगह पर इकट्ठा किया है। तो अभी हमें इतना हौसला है और हमें ये भी हम मानते हैं कि जो महिलाएं हैं वो सशक्त हैं अपने अपने ब्लॉक पे, अपने ग्राम पंचायत में ये जो ऐसे मेले हैं ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो डेफिनेटली हमारी तो कोशिश यही है कि महिलाएं जितना कमा सकें विभिन्न गतिविधियों से उतना करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। कुछ एक और स्टॉल्स यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, शिमला के भी स्टॉल यहाँ पर लगी हुई है, सिरमौर की आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है, और खासकर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है भीड़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो ये विभिन्न तरह के जो है व्यंजन हमने आपको दिखाई, धाम यहाँ पर दिखाई कि किस तरह से जो है तैयार की जाती है, क्या क्या खासियत जो है विभिन्न जिलों की विभिन्न धामों में देखने के लिए मिलती है। और अगर आप भी फूड लवर है तो शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में इन व्यंजनों का स्वाद जो है वो चख सकते हैं। 18 दिसंबर तक जो है ये फूड कार्निवल चलने वाला है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो पंचायती विभाग की तरफ से और जगह भी इस तरह के फूड कार्निवल करवाए जा सके। समाचार फर्स्ट के लिए शिमला से नीरज चोगरा की रिपोर्ट।